बज रहे हैं और हमारी शिप आज 8 बजे निकलेगी यहाँ से। आज हम प्याज और टमाटर नहीं डाल रहे, ये देखिए पका हुआ प्याज है, लाइक कच्चा प्याज नहीं डाल रहे, और जो बटर था वो पिघल चुका है, तो अभी इसमें धनिया जाएगा जिससे कि लाइक और स्वाद आएगा। कितना देर से इंतजार कर रहे हो भाई? 15 मिनट से। देखा 15 मिनट लग रहा है। अरे बाप रे, 100 आउट ऑफ। घर में माइक्रोवेव होए, हॉस्टल में माइक्रोवेव होए, आज छोले बने भी नहीं। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो अभी 7 बज रहे हैं और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और आज हम चिविता वेक्या इटली में हैं। ये देखिए बाहर से मैं आपको चिविता वेक्या इटली का यू नो लाइक टर्मिनल दिखाता हूँ। ये देखिए ये टर्मिनल है। तो 7 बज रहे हैं और हमारी शिप आज 8 बजे निकलेगी यहाँ से। 8 बजे हमारी शिप का सेलिंग टाइम है। शावर लेके रेडी हो चुका हूँ क्रू मेस में जाने के लिए, डिनर करने के लिए। चल रहा है मेरी टीवी पे फुटबॉल गेम और ये मेरे कैबिन मेट मिस्टर हालिम। हेलो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। ओहो, कैबिन मेट ने कहा है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यू नो लव फ्रॉम इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया से भाई। तो चलते हैं क्रू मेस में डिनर के लिए। मैं अपने टेबल पे हूँ और खाना बनाना अभी शुरू करने वाला हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं क्या बना रहा हूँ। तो आज मैं बनाने वाला हूँ ये चने की सब्जी। अब ये चने हैं या छोले हैं पता नहीं, लेकिन चने ही हैं, मैं इसे चने बोलूँगा। तो इसके अंदर ज़्यादा टमाटर की जो यू नो सॉस है और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, तो ये इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। ये थोड़ा सा आज ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जिससे कि अच्छी ग्रेवी बनेगी। नमक और पेपर इसके अंदर डाल देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अभी नमक और पेपर इसके छोले के अंदर डाल देते हैं। तब तक आज हम प्याज और टमाटर नहीं डाल रहे, ये देखिए पका हुआ प्याज है, लाइक कच्चा प्याज नहीं डाल रहे। और सिनेमन है यानी कि दालचीनी इसके अंदर, यू नो लाइक और भी मसाला है शायद अंदर, मिर्ची पका हुआ लाइक फ्राई ऑलरेडी मसाला है, तो हमारे छोले में काफ़ी स्वाद देगा। तो इसको हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये ऑलिव ऑयल इसके अंदर डालेंगे, काफ़ी हल्का सा डालेंगे ऑलिव ऑयल क्योंकि बटर डालने वाले हैं हम लोग। ये ऑलिव ऑयल डाल दिया इसके अंदर और ऑलिव ऑयल के बाद अब इसके अंदर जाएगा पूरा 1 गिलास पानी। ये 1 गिलास पानी डाल देते हैं ताकि यू नो मिक्सिंग थोड़ी ग्रेवी भी बनेगी और मिक्स भी अच्छे से होगा। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए इसके अंदर बटर डाल दिया मैंने, 2 बटर डाला है और 1 मसाला था वो डाला है। तो अभी जाएगा माइक्रोवेव में और आज इसे टोटल 10 मिनट में पकाऊंगा। डाल देता हूँ माइक्रोवेव में इसको। ये बटर जो है लाइक गर्म होगा तो अपने आप पिघलेगा इसके अंदर। लाइक ये देखिए यहाँ पे 8 मिनट डाला है तो ये 2 मिनट पकेगा अभी। तो ऐसे करके मैं 5 मिनट पकाऊंगा। ये देखिए अभी 4 मिनट हो चुके हैं और जो बटर था वो पिघल चुका है। तो लाइक अब और इसको हम लोग लाइक 6 मिनट पकाएंगे जैसे कि मसाले में यू नो पूरा मसाला पक जाएगा। तो और पकाते हैं इसको, 6 मिनट और बचे हैं। तो ये अपने 10 मिनट छोले पक गए हैं और ये देख सकते हो आप इसमें उबाल आ रहा है। तो ये अब पका है लाइक अच्छी तरह से और खुशबू भी यू नो लाइक इसके अंदर दालचीनी डाली थी तो खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसको बाहर निकालते हैं और टेबल पर मैं आपको बताऊँ। तो अभी इसमें धनिया जाएगा जिससे कि लाइक और स्वाद आएगा अपने छोले के अंदर। लाइक मिक्स इसको करते हैं और फिर थाली में परोस के देखिए सारे भाई लोग बैठे हैं। लाइक आप कब से, कितना देर से इंतजार कर रहे हो भाई? 15 मिनट से। देखा 15 मिनट लग रहा, आधे घंटे से। लेकिन मैं बाद में आया था, सबसे ज्यादा जल्दी है भाई को थी। तो सबसे पहले यू नो किसी को बोल नहीं रहे कुछ नहीं और सबसे पहले अपनी थाली में ले रहे क्योंकि इनकी ड्यूटी का टाइम 9 बजे है और यहाँ पे 8:50 हो चुके हैं तो एक्सपेक्टेड है। तो अभी सब अपनी थाली में लेंगे, टेस्ट करके बताएंगे आपको कि कैसे बने हैं अपने छोले। जैसे बम बोले, हाँ हाँ, आई होप अच्छे बने हो। तो बताइए भाई अमित भाई कैसे बने? काले में दिए। अभी तो रुके ना। अभी तो भाई कैसा है छोला, कैसा बना है? पहले खा रहे हैं ना, थोड़ा टाइम ले रहे दीदी, बोल रहे खुद ही ले रहे।
हे फ्रांसिस ये कब बोलोगे आप? इधर वीडियो पूरा खत्म होने आ गया, कितने देर से लगा है? घरों में बोलते अरे बाप रे, 100 out of 100। अरे अपने भाई जो राइट मस्त बना है, मस्त बना है, चलो मस्त बना है, मस्त बना है। तो अभी हम भी अपनी प्लेट में लेते हैं पहले अपन। ये अपने भाई फ्रांसिस भाई, ये नहीं इनका नाम फ्रांसिस नहीं, इनका नाम जूड है भाई, ये मुंबई से है। जूड है लेकिन जूड बोलता है। जूड है तो जल्दी खाओ भाई, जल्दी खाओ, बताओ तो सही। छोले खत्म ना हो जाए। नहीं नहीं, छोले नहीं खत्म होंगे, सबके लिए मिलेगा, सबके लिए मिलेगा, सब अपने लिए रखेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि नहीं 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 देखो बच्चा है, देखो अपने लिए बच्चा है। जूट भाई कैसा है? नंबर झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे एकदम सच्ची ना? हाँ चलो भाई, थैंक यू भाई। अरे अपने भाई ये भी खाने वाले हैं, ये अपने भाई गुजरात से है, कुछ तो बोलो गुजरात में, गुजरात से है तो लोगों को पता तो चलेगी गुजराती हो आप। छोले हाँ छोले छे ते कॉलेज का छोकराओ माटे छे। हाँ अभी समझाओ क्या बोला है आपने? घर में माइक्रोवेव होए, हॉस्टल में माइक्रोवेव होए, आज छोले बने भी लेंगे। अरे कैसे बने छोले? एक नंबर। अरे वाह भाई वाह भाई, तो सबका फीडबैक अच्छा है। और अभी अभी अपना टाइम है टेस्ट करने का छोले, तो अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ। जैसे कि घर पे होता है ना कि लाइक मम्मी खाना बनाती है और मम्मी सबसे लास्ट में खाती है, वैसे अभी मैं सबसे लास्ट में टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बनाया इसलिए तो मेरी तारीफ कर रहा हूँ, लाइक बार बार कर रहा हूँ मैंने बनाया। तो टेस्ट करते हैं छोले कैसे बने हैं। सब लोग कह रहे हैं अच्छे हैं, माइक्रोवेव वाले स्पेशली। तो प्याज इसके ऊपर रखेंगे, यू नो उसका मजा एक अलग आने वाला है। गरम है एक नंबर बने, अच्छे बने। जो दालचीनी का जो फ्लेवर आ रहा है, दालचीनी डाली थी ना उसका पूरा फ्लेवर आ रहा है और बहुत ही अच्छा बन गया है दालचीनी की वजह से फ्लेवर, तो बहुत अच्छा है। अभी खाना एंजॉय करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। देखिए अभी ये सभी भाई लोगों का खाना लाइक थोड़े खा रहे हैं, थोड़े लोगों का हो चुका है। तो जूड भाई कुछ बात है भाई, खाना छोले एक जबरदस्त बना था। प्लीज सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स चैनल कृष्णा खत्री ब्लॉग। ओहो थैंक यू बाइकर, टेक केयर माय फ्रेंड्स। हाँ ये अपने भाई नेपाल से हैं, इन्होंने लाइक चिकन लाया था, तो नेपाल में ये बोलेंगे कि नेपाली लैंग्वेज में, अगर नेपाल से कोई देख रहे हैं कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कर दो भाई साहब, तो बहुत बढ़िया बना है। जो लोग बेंगल से थे मैं बोलना चाहता हूँ कि दादा ने बहुत बढ़िया लोग अपने टेबल पे बचे हैं। तो लाइक टेबल पे जब हम लोग आते हैं ना, बातें बातें करते हैं, तो एक अपना अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। लाइक यू नो सुबह से शाम काम करा हुआ और यहाँ पे आके रिलैक्स, अच्छे से खाना खाया, ये सब चीज। तो क्रू में से मैं अभी अपने कैबिन में आ गया हूँ। तो यू नो इसी तरह से लाइक हर रोज़ हम लोग यू नो अपने डिनर टाइम में क्रू मेस में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। लाइक ऐसे करने से ना एक एक्टिविटी सी हो जाती है, सब लोग मिलते हैं, यू नो हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कभार तो हम इतनी बातें करते हैं यू नो लाइक टाइम का भी पता नहीं चलता। जैसे कि आज 10:15 बज गए, लाइक यू नो कोई टॉपिक हो गया उस पर बातें करने लगते हैं, यू नो तो अच्छा लगता है, लाइक एक फैमिली जैसा लगता है और मज़ा आता है यू नो। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, अब इसको मैं ख़त्म करूँगा। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और यू नो हमारे छोली की रेसिपी भी आपको यू नो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस इतना ही, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और शेयर करते हुए ज़रूर कहना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक यू, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में।